ये आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम है, ये इसे कहते हैं इक्वेशन। यहाँ पे आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम को सॉल्व करना है फॉर एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू आपको पता करना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो सिंपल देखते जाइए आप क्या करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा गेस कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इंटेलिजेंसी आप क्रिएट किया करिए इन नॉर्मल से क्वेश्चंस को, क्योंकि इन्हीं से आपको थोड़ी थोड़ी इंटेलिजेंसी मिलती है। सोचिए कि यहाँ वन कब आएगा, यहाँ वन तब आएगा जब ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, साइन 91 होता है, ठीक है। लेकिन आपको उससे पहले स्ट्राइक करना चाहिए कि साइन इनवर्स 1/5 या साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा क्या होता है आपका, π/2 होता है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये साइन इनवर्स 1/5 है तो यहाँ भी 1/5 होना चाहिए, तभी इनका सम क्या आएगा, π/2 आएगा, और ये साइन π/2 1 दे पाएगा। तो आंसर बड़ा सिंपल है कि हम कहाँ, हमारे लिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो 1/5 है इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो कभी ये ऑब्जेक्टिव में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। खैर, हमें तो सॉल्व करना है, ये वैल्यू निकालना है, आंसर मुझे पहले से दिख रहा है, ठीक। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के लिए इस साइन को हम इस साइड में ले जाएंगे, तो इट बिकम साइन इनवर्स 1, ठीक है। और इधर क्या है आपका, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, x, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो इसको लिख दिया, ये हो जाएगा आपका π/2 आ गया। यहाँ पे आप कॉपी करोगे, ठीक है, 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, फिर यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपको ये निकालना है, तो ये टर्म आइसोलेट करिए, इस वाले टर्म को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/5, ठीक है। और π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ 1/5, ठीक है। ये हो गया कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ से कॉस इनवर्स चूंकि क्या होता है, 1-1 फंक्शंस होते हैं, तो एक्स की सिंगल वैल्यू होगी, इसलिए यहाँ पे एक्स 1/5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मेनी वन फंक्शन होता तो आपके पास एक्स के और भी कुछ सोल्यूशन आते, ठीक है, लेकिन ये 1-1 फंक्शन होता है इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अच्छा, देखिए हर स्टेप में इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे हमेशा नए स्टेप के लिए इम्प्लाई लगाया करिए हमेशा, ठीक है। तो इम्प्लाइज दिस वन इज़ योर आंसर, और देख लीजिए यही तो सबसे पहले गेस आंसर था, ठीक है, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।